गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एडियोलॉजिस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जल्दी से आप आ जाइए, लाइव आ जाइए। तो चलिए, इंडियन ज्योग्राफी का आज जो है सेशन नंबर 14 जो है डिस्कस होने जा रहा है। ठीक है, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज में जो पूछे गए क्वेश्चन है, एनडीए, सीडीएस, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आप खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज www.ideologistelearning.com। आप जो है खुद को इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बैंक एसएससी, एचएसएससी, स्टेट लेवल एग्जाम्स, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, रेलवे, फोर्सेस की बात करें तो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्सेज, आर्मी, नेवी, तो ये सब कोचिंग जो है आपको अवेलेबल है। राइट, 499 में हम जो है जीएस का एक बैच लेकर आए हैं। आप सबको पता है, जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए है ये चीज कि 499 में जीएस का बैच है जिसमें हम ज्योग्राफी और साइंस का जो है सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी और साइंस का 9000 से लेकर 10000 प्लस एमसीक्यूज उसके अंदर होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज की फॉर्म में ये बैच चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम से ये बैच होगा, दोनों माध्यम जो है डिस्कस होंगे। तो उसके लिए भी आज जो है अगर आप अभी खरीदते हैं इस बैच को तो आप सिर्फ 499 में खरीद पाएंगे। वैसे इसका प्राइस 1000 है, लेकिन इफ यू बाय राइट नाउ, अगर आप इसको अभी खरीद रहे हैं तो 499 में आप उसको खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डू द पीपल ऑफ जारवा ट्राइब हु वर इन न्यूज रिसेंटली रिसाइड। जारवा जो समूह के लोग हैं, ट्राइब जो है जनजाति के लोग, कहां पर निवास करते हैं रिसेंटली इन द न्यूज। ठीक है, देवर रिसेंटली इन द न्यूज एंड वाई देवर इन द न्यूज, क्योंकि जो जारवा जारवा ट्राइब जो है, जारवा जो जनजाति है, वो जहां पर रह रहे थे, वो जहां पर रहते हैं उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने टूरिस्ट एक्टिविटी, जो टूरिज्म है, उसको बैन किया था। क्या किया था? बैन किया था किसको? टूरिस्ट एक्टिविटी को। तो इसीलिए देवर इन द न्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, जब आप करंट प्रिपेयर करते हैं, करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन, आइदर यूपीएससी, ठीक है, और स्टेट पीसीएस, पीसीएस हो आपका, स्टेट पीसीएस हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो आपको इस तरीके से जो चीजें न्यूज में रहती है उनको लोकेट करना है। बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, कौन से फेस्टिवल की बात हो रही है, कौन सी जगह की बात हो रही है जो न्यूज में हो, आर्ट एंड कल्चर से हमारे रिलेट करता हो, तो काफी सारी चीजें हैं जो एग्जामिनर जो है करंट से पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो है वही है कि पीपल ऑफ जारवा हुआ रिसेंटली इन द न्यूज रिसाइड, कहां पर रहते हैं? तो वो न्यूज में इसलिए थे क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने टूरिस्ट जो एक्टिविटी थी, टूरिज्म थी, उसको बैन किया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश में रहते हैं, दूसरा है छत्तीसगढ़ में, तीसरा उड़ीसा के अंदर, चौथा देखिए अंडमान एंड निकोबार के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जारवा जो कम्युनिटी है वो अंडमान एंड निकोबार की जो है क्या रहेगी, हैबिटेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जारवा ट्राइब इज फाउंड इन, कहां पर मिलती है जारवा जनजाति? पहला ऑप्शन देखिए अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में, या फिर निकोबार आइलैंड में। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। निकोबार आइलैंड में जो है, निकोबार जो द्वीप है, वहां पे हमें जारवा ट्राइब जो है मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या, द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब इज, भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? सबसे प्रिमिटिव मतलब सबसे पुरानी जिसको बोलते हैं हम, प्रिमिटिव ट्राइब जो है वो कौन सी है? गोंड ट्राइब है, जारवाज है, ठीक है, जुआंग है, या फिर लेपचा है। ठीक है, तो कौन सी रहेगी? जारवा। कहां पर है ये? अंडमान एंड निकोबार में। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है अंडमान और निकोबार की, याद रखिएगा जारवा कम्युनिटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी डू द पीपल ऑफ द ओंज ट्राइब लिव। लास्ट वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी। ओंज ट्राइब, ओंज ट्राइब अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड है हमारा, ठीक है, उसके जितने भी ट्राइबल ग्रुप हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरी कौन सी में जो है ओंज ट्राइब निवास करते हैं। पहला ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा देखिए क्या है, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। सो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, कहां पर निवास करते हैं ओंज ट्राइब? ओंज ट्राइब निवास करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड द मंगनियार्स, ठीक है, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड द मंगनियार्स इज वेल नोन फॉर देयर, वो किस लिए जाने जाते हैं। तो देखिए मंगनियार की अगर बात यहां पर की जाए, ठीक है, तो दीज आर द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है बेसिकली भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये रहती है, ठीक है, राजस्थान और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एरिया है वहां पर ये निवास करती है, मुस्लिम कम्युनिटी है और दे आर वेल नोन फॉर देयर, वो किस लिए जानी जाती है। पहला ऑप्शन देखिए मार्शल आर्ट के लिए जानी जाती है, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहती है, तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, अगर भारत का राजस्थान में निवास करती है तो वो नॉर्थ वेस्ट रीजन होगा भारत का, ठीक है, भारत का पश्चिमोत्तर होगा, उत्तर पश्चिम रीजन होगा। म्यूजिकल ट्रेडिशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जो है अपने शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात है। या फिर पितृदुरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, पश्चिमोत्तर में भारत, पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत के लिए विख्यात है, ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय, झूमिंग जो है वो क्या है, झूमिंग जो है वो क्या है, ठीक है, इज प्रैक्टिस्ड बाय, किसके द्वारा की जाती है, भूटियाज के द्वारा, खासीज के द्वारा, संथाल के द्वारा और टोडास के द्वारा द्वारा, ठीक है, तो झूमिंग देखिए क्या है, झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग खेती, झूमिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है। देखिए एक जगह को ट्राइबल कम्युनिटी सबसे पहले बिल्कुल फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करती है, साफ करती है, उसे क्या करती है, कृषि योग्य बनाती है, वहां पर कृषि करती है, ठीक है, समय के साथ साथ जब ये भूमि क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है अगर एक ही तरीके की खेती करेंगे ट्राइबल पुराने पैटर्न से तो वो इनफर्टाइल होगी, जब ये इनफर्टाइल होगी तब ये क्या करते हैं, किसी दूसरी जगह को ढूंढते हैं और उसे जो है दूसरी जगह ढूंढेंगे, उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, वहां पे जो भी पेड़ पौधे हैं उनको बर्न कर दिया जाता है, उनको फायर, आग लगा दी जाएगी, तो वहां से जो बर्न होगा, ठीक है, जो जो हमारे जंगल है, फॉरेस्ट है, इस जगह पर इसको आग लगा दिया जाएगा, यहाँ पे इसकी इस आग की वजह से ये क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, अब इस भूमि का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी क्या करती है, अब इस भूमि का उपयोग करेगी किसके लिए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए करेगी, फिर जब ये समय के साथ इनफर्टाइल हो जाएगी तब किसी तीसरी जगह को ढूंढेगी, इसे स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी इसे कहा जाता है, झूमिंग को, ठीक है, तो इसको कौन परफॉर्म करता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो लोग हैं, उत्तर पूर्व के जो लोग हैं, मतलब हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, वो इसको परफॉर्म करती हैं ज्यादातर, तो यहां से देखिए आंसर आएगा खासी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द खासीज, क्योंकि खासीज जो कम्युनिटी है वो कहाँ की रहने वाली है, मेघालय की, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली है, तो झूमिंग ज्यादातर कौन परफॉर्म करते हैं, खासीज, ऑप्शन बी जो है इन ऑप्शंस में सही आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की करेंगे, देखिए क्या है, ओंडी एंड द ओप्रोटीपी फॉर्म्स ऑफ मैरिज इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो मैरिज के नाम है, ओंडी मैरिज एंड ओप्रोटीपी, ठीक है, तो ये दोनों जो मैरिज के फॉर्म है ये किस आदिवासी समूह समुदाय से संबंधित हैं। देखिए ओंडी जो मैरिज है वो मैरिज होती है विद निगोसिएशन, जब दोनों पक्ष जो है राजी होंगे विद निगोसिएशन, ठीक है, मतलब दोनों जब राजी होंगे विद निगोसिएशंस तब जो है अगर मैरिज हो तो उसे ओंडी कहा जाएगा, लेकिन बाय कैप्चर, कैप्चर करके, ठीक है, धक्के से या फिर कैप्चर करके उठाने का जो तरीका होगा, ठीक है, कैप्चरिंग से, ठीक है, पकड़ कर जबरदस्ती जो शादी की जाए उसे ओप्रोटीपी का नाम दिया जाता है, ठीक है, तो ये किस ट्राइबल कम्युनिटी में होगा, ये होगा हो में, हो ट्राइबल कम्युनिटी, हो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर जो है ये दोनों मैरिज के फॉर्म प्रचलित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट अगेन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच इज द शेड्यूल ट्राइब हु मेक द कत्था. कत्था जो है कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ठीक है, कत्था जो है वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी, कौन सा समूह बनाता है. ठीक है, देखिए पहला देखिए, भिंजवाड़ बनाएगा, धनवाड़ बनाएगा, खैरवाड़ बनाएगा और मझवाड़ बनाएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं बनाएगा. ठीक है, तो देखिए कत्था की अगर बात करें, कत्थे की अगर बात करें तो इसे खैर भी कहा जाता है. कत्था इज ऑल्सो नोन एज दी खैर. ठीक है, तो जो कम्युनिटी, जो समुदाय इसको बनाएगा उसका नाम है खैरवाड़. ठीक है, नाम से क्लियर है. कत्थे का दूसरा नाम खैर भी है, तो जो कम्युनिटी से बनाएगी उसका नाम है खैरवार. इसे बनाने के लिए खैर के नाम पे इनका नाम जो है खैरवार पड़ा है. सो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा आंसर, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज. अमित जी का एक मैसेज है, मैम जीएस रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल. सो देखिए दिस इज द बैच जहां पे आप यूपीएससी से लेकर जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस की बात करें, रेलवे की बात करें, ठीक है, ग्रुप डी की बात करें, तो हर तरीके का जो कंटेंट है, हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, आपके हर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को कवर कर रहा है, कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है. बस आप ट्रस्ट करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा. चलिए, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज. भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आएगा. ठीक है, हिंदी के बाद यहाँ पर बात हो रही है, हिंदी के बाद किसका नंबर आएगा. पहला ऑप्शन देखिए उर्दू का है, दूसरा देखिए बंगाली का है, तीसरा तेलुगु का है और चौथा तमिल का है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बंगाली जो है वो नंबर की बात यहाँ पर हो रही है कि हिंदी जो है सबसे पहले नंबर पर बोला जाता है, हिंदी के बाद किसका नंबर आता है, हिंदी के बाद जो बेसिकली नंबर आएगा दैट इज ऑफ बंगाली भाषा का नंबर आएगा. अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन इंडिया इज. भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है. ऑप्शन रहेगा बंगाली. ठीक है, बंगाली इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस किसको मिला था. बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की क्लासिकल लैंग्वेज. ठीक है, भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं. कौन कौन सी हैं देखिए, तमिल है सबसे पहले, इसको मिला है 2004 में. सबसे पहली भाषा जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसको मिला था, तमिल को 2004 में. तमिल के बाद मिला था संस्कृत 2005, तेलुगु 2008 में मिला था, उसके बाद है कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 एंड उड़िया 2014. ठीक है, तो यहां पे देखिए तमिल 2004 में मिलता है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले किसे स्टेटस मिलता है क्लासिकल लैंग्वेज का, तमिल को. तमिल भाषा सबसे पहली भाषा है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है 2004 में. ठीक है, और उड़िया जो है वो अभी 2014 में मिल रहा है. मराठी जो है उसको कंसीडर किया जा रहा है फॉर द डिजिग्नेशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज के लिए मराठी को भी कंसीडर किया जा रहा है कि मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए. ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2014 में किसको मिला है, उड़िया को. सो ऑप्शन ए जो है क्या रहेगा हमारा राइट आंसर होगा. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला देखिए क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द ऑस्ट्रिक ग्रुप. इनमें से कौन सी भाषा जो है किससे बिलोंग करती है, ऑस्ट्रिक समूह से बिलोंग करती है. ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रिक समूह जो है वो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे जितने ट्राइब पाए जाते हैं उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड कहा जाता है या फिर प्री द्रविडियन. ठीक है, तो ऑस्ट्रिक ग्रुप कहाँ से है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से समहाउ बिलोंग करता है.
तो यहाँ से देखिए मराठी है, लद्दाखी है, खासी है या फिर तमिल है, तो बिल्कुल सही आप पहचान सकते हैं कौन सी होगी, खासी। खासी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक ग्रुप से बिलोंग करती है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जो है भाषाई समूह कौन सा है, ठीक है, भाषाई समूह कौन सा है, सिनो तिब्बतियन, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिक, एशियाटिक, द्रविड़ियन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखिए बी इज द राइट आंसर, जो इंडो आर्यन हमारा लिंग्विस्टिक ग्रुप है मतलब भाषाई समूह है वो सबसे बड़ा है। इसके अंदर कौन कौन सी भाषा है वो देखिए, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो भाषा है मतलब मेन मेन भाषा की अभी हमने बात करी है इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर, इंडो आर्यन जो ग्रुप है भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जर लिंग्विस्टिक ग्रुप है मतलब भाषाई समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा इंडो आर्यन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग मैप गिवन बिलो, मैप आपको गिवन है और हमें क्या देखना है, द प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन द एरिया ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी डी जो एरिया हमें गिवन है उसमें कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन कौन सी भाषा गिवन है हमें, ब्रज भाषा गिवन है, भोजपुरी, मैथिली एंड अवधी, ठीक है, चार भाषाएं गिवन है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज भाषा एंड अवधी। बेसिकली चार भाषाएं हमने गिवन है और हमें उनको अरेंज करना है ए बी सी डी में। देखिए ए की अगर मैं बात करूं तो ए में यहाँ ये जो एरिया रहेगा यहां बोली जाती है ब्रज भाषा, ए वाला जो एरिया है, ठीक है, ए एरिया मैप में आप लोकेट करेंगे तो इस एरिया में बोली जाएगी ब्रज भाषा, ठीक है। बी एरिया की बात करेंगे, यहां पर, यहां बोली जाती है, बी एरिया की बात करें यहां बोली जाएगी अवधी। सी थोड़ा सा इस तरफ आए, बिहार वाली तरफ आए हम, थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो यहां बोली जाती है हमारी भोजपुरी। और जो हमारा ईस्टर्न बिहार आएगा मतलब पूर्वी बिहार की तरफ जो रीजन आएगा वहां पर बोली जाती है मैथिली। मैथिली बिहार सबको पता है, तो मैथिली भाषा बिहार में, जो ईस्टर्न जो हमारा बिहार है, पूर्वी बिहार है, वहां पर मैथिली भाषा बोली जाएगी। तो यहां से देखिए करंट सीक्वेंस हमारे पास कौन सा हुआ, देखिए क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी एंड मैथिली, ऑप्शन सी जो है क्या रहेगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गंगा नदी इनमें से किसका उदाहरण है, दी एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का, पूर्ववर्ती अपवाह का, दूसरा देखिए क्या, कंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का, अनुवर्ती अपवाह का, सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम, अक्रमवर्ती अपवाह का, या फिर सबसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, परवर्ती अपवाह का। देखिए गंगा रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि गंगा इंडस, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ये सब कुछ क्या है, ये तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से निकलती है, नियर तिब्बत से निकलेंगी ये सब की सब, पहाड़ों से निकलती है, हिमालय इनका ओरिजन, हिमालय में जो ग्लेशियर है वो इनका ओरिजन है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है, ये जो रिवर है इनको कहा जाता है एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। मतलब क्या है एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का, मतलब कि ये जो नदियां बहती हैं ये अपने आसपास की जो भूमि है, अपने आसपास की जो टोपोग्राफी है उसको क्या करती हैं, एरोड करती हैं, एरोजन कॉज करती हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत एरोजन कॉज करती हैं, बिकॉज दे आर यंग, यंग रिवर है, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्या है, तेज है, इनका फ्लो काफी तेज है, तो ये क्या करती है, एरोजन कॉज करती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पूर्ववर्ती अपवाह का क्या रहेगा, उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज नोन एज, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, पहला ऑप्शन है मेघना रिवर,
दूसरा देखिए पद्मा रिवर, तीसरा देखिए भगीरथी, या फिर चौथा देखिए महागंगा रिवर। ठीक है, बांग्लादेश में देखिए गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, इन दोनों को मिलके क्या कहा जाता है? पद्मा। ठीक है, फिर ये पद्मा क्या करती है, किसके साथ मिलती है? मेघना के साथ। मेघना रिवर ब्रह्मपुत्र की उसके साथ मिलेगी एंड कहां पे ड्रेन हो जाएगी? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है जी, तो बांग्लादेश के अंदर गंगा का नाम क्या रहेगा? पद्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेघना नहीं रहेगा पद्मा रहेगा। याद रखिएगा बांग्लादेश के अंदर गंगा को क्या कहा जाएगा? पद्मा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? गंगा जो है बांग्लादेश में एंटर करने के बाद किस नाम से जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन पद्मा। ठीक है, पद्मा के नाम से जानी जाएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगेन द सेम क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा बांग्लादेश में एंट्री के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, सुंदरवन डेल्टा हम सबको पता है विश्व का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा है, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इस डेल्टा का 2/3 जो है वो बांग्लादेश में है, बाकी बचा हुआ जो है रेस्ट जो है वो कहां पर है? इंडिया के अंदर है। 2/3 कहां पर है? बांग्लादेश के अंदर, बाकी बचा हुआ कहां पर है? इंडिया के अंदर। तो कौन सी रिवर है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुंदरवन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट बात, सुंदरी ट्री, सुंदरी वेजिटेशन, सुंदरी वेजिटेशन यहां पर पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरी वेजिटेशन, सुंदरी के नाम से है, सुंदरी वेजिटेशन जो है सुंदरवन डेल्टा में पाई जाएगी। मैंग्रोव, मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति है ये, सुंदरी जो वेजिटेशन है, सुंदरी नाम के ट्रीज पाए जाते हैं, सुंदरी नाम की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। मैंग्रोव जो वनस्पति है वो भी कहां की स्पेशलिटी है भारत में? सुंदरवन डेल्टा की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एजर्शन ए एंड रीजन आर, कारण कथन गिवन है और उसका कारण। कथन है कि गंगा इज हाईली पोल्यूटेड रिवर, गंगा जो है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है। अभी ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में सब जानते हैं, ध्यान से पढ़िएगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट को, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट को ध्यान से पढ़िएगा, गंगा के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। गंगा इज हाईली पोल्यूटेड रिवर, बिल्कुल सही बात है, गंगा जो है काफी प्रदूषित नदियों में से एक है। रीजन इसका क्या गिवन है? रीजन देखिए, द होलियर द रिवर द मोर पोल्यूटेड इट इज, जितनी ज्यादा क्या होगी पवित्र रिवर होगी उतनी ज्यादा पोल्यूटेड होगी। तो ये रीजन कथन क्या हो गया? गलत हो गया, है ना, द होलियर द रिवर द मोर पोल्यूटेड इट इज, तो रीजन आर गलत हो गया। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए जो है वो ट्रू है लेकिन आर इज जो है, आर जो है वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए गंगा का जो पानी है उसको पवित्र माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा हमारे, ठीक है, हमारे रिलीजन में बात करें, हमारी कंट्री के लिए बात करें, इकोनॉमिक पर्पस से बात करें, या फिर आप किसी भी और दृष्टि से लगा लीजिए, गंगा काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, गंगा का पानी इतना पवित्र क्यों है, या प्योर गंगा के पानी को क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की प्रेजेंस की वजह से माना जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया, जो चीजें हैं जो पानी को पल्यूट करती हैं, उनको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज मिलता है, ठीक है, तो इसलिए गंगा का पानी क्या है? होली माना जाता है, पवित्र माना जाता है, भी कोई भी इतना जो है वहां पर नहीं होगा, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की प्रेजेंस की वजह से। लेकिन पॉल्यूशन जो है ऑब्वियसली इतना हम कॉज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी। सी इज द राइट आंसर कि ए ट्रू होगा लेकिन आर क्या होगा हमारा यहाँ पर? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है,
डेप्थ ऑफ द कैंगेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सरफेस इज अबाउट, गंगा की जो जलोढ़ मृदा है उसकी गहराई कितनी है, गंगा की जो जलोढ़ मृदा रहेगी उसकी गहराई कितनी है भूमि सतह के नीचे, तो वो कितनी रहेगी, लगभग 4,000 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक रहेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए जो है सही उत्तर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। पहला क्वेश्चन देखिए, देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भगीरथी एंड अलकनंदा, बिल्कुल सही बात है, जहां पर देखिए पंच प्रयाग है, पंच प्रयाग उन सबकी बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है पंच प्रयाग, तो पंच प्रयाग में से सबसे पहला देव प्रयाग है। देव प्रयाग जो है वो कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, भगीरथी और अलकनंदा रिवर जहां पर मिलते हैं, ठीक है, उनका जहां पर संगम होता है उस स्थान को देव प्रयाग बोला जाता है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दूसरा देखिए रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द मंदाकिनी एंड अलकनंदा, ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा रुद्रप्रयाग है हमारा, रुद्रप्रयाग जहां पर मिलता है वो मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर का क्या है, कॉन्फ्लुएंस है, संगम स्थल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरे अगर पॉइंट की अगर हम बात करें, अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ से बहती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से बहेगी। लास्ट ऑप्शन देखिए, तीसरा भी ठीक हो गया, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, केदारनाथ इज कंसीडर्ड एज द बिगेस्ट सीट एस्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य, केदारनाथ जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में मानी जाती है। अब आदि शंकराचार्य हम सबको पता है कौन थे, हिंदू धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, जिन्होंने हिंदू धर्म को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को इस्टेब्लिश किया था। तो जो आदि शंकराचार्य है उनके द्वारा सबसे बड़ी जो पीठ स्थापित की गई थी वो केदारनाथ है, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर और हमारी हिस्ट्री के हिसाब से। आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने बद्रीनाथ को, बद्रीनाथ सबसे बड़ी पीठ स्थापित की थी, सबसे बड़ी जो सीट स्थापित की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने वो की थी बद्रीनाथ, ठीक है। केदारनाथ की अगर बात करी जाए, केदारनाथ जो है वो समाधि स्थल है, समाधि स्थल है किसका, शंकराचार्य का, ठीक है, आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल केदारनाथ में है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी सीट जो इस्टेब्लिश करी थी, सबसे बड़ा पीठ जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था बद्रीनाथ को, ठीक है, याद रखिएगा, बद्रीनाथ सबसे बड़ी सीट थी लेकिन केदारनाथ जो है वो समाधि स्थल है आदि गुरु शंकराचार्य का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, तो यहाँ पे सही रहा हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट देव प्रयाग जो है भगीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती है वहां पर देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है, दो लिस्ट हैं आपके पास, उनको सिलेक्ट करना है, पंच प्रयाग की ही बात हो रही है, पंच प्रयाग, अलकनंदा रिवर जहां पर मिल रही है, जिन जिन नदियों से मिल रही है उन्हें पंच प्रयाग का नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला है रुद्र प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग और चौथा है मेरे पास देव प्रयाग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रुद्र प्रयाग की बात करते हैं, रुद्र प्रयाग मिलता है, बात की थी हमने जहां पर मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर मिल रही है उसे रुद्र प्रयाग कहा जाएगा, तो इसके साथ ए के साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है सेकंड, ए के साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है सेकंड, भगीरथी और अलकनंदा जहां पर मिल रही है। दूसरा देखिए नंद प्रयाग, नंद प्रयाग कहां पर मिलता है, नंद प्रयाग जहां पर हमारी नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलती है, नॉट मंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलती है वहां पर नंद प्रयाग है, तो बी के साथ जो ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है फोर, अलकनंदा एंड नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग है जहां पर हमारी अलकनंदा और पिंडर रिवर मिलती है, अलकनंदा एंड पिंडर रिवर जहां पर मिलती है वहां पर क्या है, कर्ण प्रयाग है, याद रखिएगा। इसके साथ जो मेरा ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है थर्ड। देव प्रयाग की बात करें तो देव प्रयाग हम सबको पता है कि अलकनंदा और भगीरथी रिवर जहां पर मिलती है वो है देव प्रयाग, सो इसके साथ जो जा रहा है वो जा रहा है फर्स्ट। सीक्वेंस हुई हमारे पास टू फोर्थ
थर्ड एंड फर्स्ट, दिस इज द राइट सीक्वेंस. ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट. ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा. राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला एक यहां पर विष्णु प्रयाग है. विष्णु प्रयाग है, ठीक है. विष्णु प्रयाग की अगर बात करें, ठीक है, विष्णु प्रयाग की बात करें तो विष्णु प्रयाग कहां पर लाई करता है? विष्णु प्रयाग है अलकनंदा एंड धौली गंगा, इनके कॉन्फ्लुएंस पर. जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलेगा? अलकनंदा एंड धौली गंगा मिलेगी, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा विष्णु प्रयाग. चार प्रयाग हमने देखे, पांचवा जो है वो विष्णु प्रयाग है, अलकनंदा एंड धौली गंगा जहां पर मिलेगी वहां पर विष्णु प्रयाग का नाम दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भगीरथी? अलकनंदा और भगीरथी जहां पर मिलते हैं उस जगह को क्या क्या बोला जाता है? अब आपने पांच प्रयाग देखे हैं, पंच प्रयाग पढ़ा है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा. प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भगीरथी, पहला देखिए विष्णु प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग. सो अलकनंदा और भगीरथी जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? देव प्रयाग. आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन देखिए, भगीरथी एंड अलकनंदा जहां पर मिलते हैं, सबको काफी बार एक्चुअली भगीरथी और अलकनंदा के बारे में पूछा गया है, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है. पांच प्रयाग काफी इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर कौन कौन सी नदियों के मिलने से पांच प्रयाग बन रहे हैं सबको ध्यान में रखना है. अब देखिए क्या है, भगीरथी और अलकनंदा रिवर कहां पर मिल रही है? तो हम सबको पता है देव प्रयाग इज द राइट आंसर. भगीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? देव प्रयाग. तो अभी जो है हम अपने रिवर्स पर आ चुके हैं, ठीक है, और रिवर वाला जो है पोर्शन इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो रिवर पर आ चुके हैं और इनका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे किस तरीके से बहती हैं, किस तरीके से क्या है. तो ध्यान से स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर दिस टॉपिक एज वेल. चलिए आज के 25 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए, कल अनदर फिर 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ऑन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. भारत का जो रिवर सिस्टम है उसके ऊपर बात करेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस रिवर की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम साउथ की नदियों पर आएंगे, ठीक है. तो Stay connected with us. Thank you so much.